गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिए थे, फिर कुछ नए कंसेप्ट और फिर कुछ और क्वेश्चन। ओके, बस एक और स्टूडेंट हम उसका वेट कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वो स्टूडेंट आते रहेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। टाइम पे फंक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि हम क्लासेस सही डायरेक्शन में फॉलो कर सकें। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिए थे, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। जो भी आपसे नहीं हुए या फिर ट्राई नहीं किए तो सारे मैं कराऊंगा। इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है ना, और कुछ नया कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कौन कौन से क्वेश्चन थे? कोई भी एक बना, एक जना बताए। 1 to 13 कौन कौन से क्वेश्चन थे? या छोड़ो, ये मत बताओ, मुझे ये बताओ 1 to 13 कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए जो मैंने मार्क करा रखे थे। क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ, जो मैंने मार्क करा रखा था? क्लास रेस्पॉन्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ओके, अभी चेक करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो, जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला, मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो मोबाइल में स्क्रीन में कैसे देखोगे? तो नेक्स्ट क्लास में जिन्होंने नहीं निकाला वो प्रिंट आउट निकाल के रखे या फिर एक दूसरे मोबाइल में इस क्वेश्चन को रखे। और क्वेश्चन 1 to 13 कोई और क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ जो मैंने मार्क कराए हो? क्लास, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है ना। और देखो, क्वेश्चन को ना हम कंसेप्ट से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे, और आपको बाद में समझ आएगा कि कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों एक ही चीज होती है। ओके, पहले देखते हैं हमारा क्लास। चारों बच्चे प्रेजेंट है ना, मुझे यस बोलो चारों। और तीन और दो और दो धने। चलो, आपके पास नंबर है 156 25, दिख रहा है क्लास? अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट में अगर लास्ट में 25 आए तो 5 तो होगा ही होगा। अब ये जो नंबर है ये किसी दो नंबर को लगातार मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है ना। अब आपकी ये प्रैक्टिस कैसे होगी, देखो 12 का स्क्वायर मैंने कहा था 144, और 13 का स्क्वायर मैंने कहा था 159। तो यानी कि ये नंबर 144 और 159 के बीच में है, यानी कि 12 और 13 में से ही कोई नंबर होगा। तो मैंने देखा, अगर मैं नंबर को 12 मानता हूं तो इसका जस्ट अगला नंबर कितना होगा, 13, और 2 3 6। अगर मैं 13 मानता हूं तो इसका जस्ट अगला नंबर क्या होगा, 4, 4 3 12। तो 2 तो है नहीं लास्ट में, लास्ट में कितना 6, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 12। क्लास मुझे ये बताओ,
कि आपको ये समझ आया कि 125 स्क्वायर रूट ऑफ 156 टॉप पर, ये समझ आया? देखो 156 था, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये किन दो लगातार नंबर को गुणा करके आएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 159, तो ये नंबर 156 इन दोनों के बीच में लाई करता है, यानी कि वो जो नंबर होगा वो या तो 12 होगा या फिर 13 होगा। तो अब हमने मान लिया कि वो नंबर 12 है, अगर वो नंबर 12 है तो इसको अगला नंबर होगा 13, अगर वो नंबर 13 है तो अगला नंबर होगा 14, 2 3 6 3 4 12, मैं इकाई संख्या से सॉल्व कर रहा हूं। इसकी इकाई संख्या 6 आई, इसकी इकाई संख्या 2 आई, इसकी इकाई संख्या कितनी है 6, तो कौन सा आंसर होगा 12, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 12 लिख दिया। समझ आया क्लास? तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद करने हैं। अब सोचो जिसको नहीं पता वो पता कैसे करेगा क्लास, जिसको नहीं पता वो 156-25 का या तो एलसीएम लेगा, जिसे हम कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर वो डिवीजन मेथड से करेगा, उससे भी उसका आंसर कितना आएगा 125। चेक कर लो, 5 3 15 5 3 15, 5 2 5 2 25, 5 6 3 5 5 6 3 5 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
मैंने जल्दीबाजी में गलत कर दिया, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 6 3, 5 9 10, 5 5 25, 5 125, फिर 5 25, फिर 5 5, फिर 5 1, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया और इनका जोड़ा बन गया, तब भी कितना आएगा 125। तो देखो अब जिसको तरीके पता है, देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा है, हमने याद करा हुआ था इसलिए हम इसको कोरिलेट कर पाए, ठीक है ना। तो जिसको तरीके पता है कैसे करना है वो तो सेकंड्स में आंसर निकाल लेगा, और जिसको नहीं पता वो टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। तो यहां से हमें प्राइमरली ये पता चला क्लास कि 156 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 156 25 इज ऑलवेज इक्वल टू 125। अब यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहना क्लास। मैंने आपको बताया था 156 25, 125 का हो गया 156.25, देखो आएगा तो 125 ही, लेकिन दो सं इसके लिए 5 आ गया और इसके लिए 12 आ गया, इन दोनों के बीच में ही है डेसिमल, तो डेसिमल आ गया यहां पे। अगला 1.5625, इस आएगा तो 125 ही, इसके लिए 5 आ गया, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए 1 आ गया, ये मैंने बताया था ना कि पेयर बनता है, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये, वैसी क्लास। अब आपके पास है 0.015625, आएगा तो 125 ही क्लास, लेकिन इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 2, इसके लिए 1, 1 के पहले, मतलब यहां पे क्लास मुझे बताओ ये चार वैल्यू समझ आई आपको। ओके, अब इसके बाद मुझे बस इन्हें ऐड करना है, तो मैं इसे ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये वाला डाटा मिटा देता हूं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं करेंगे हम, इससे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इन सबको ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था क्लास कि सबके पास डेसिमल है, बस इसके पास डेसिमल नहीं है, तो जिसके पास डेसिमल नहीं है उस पे डेसिमल लगाओगे लास्ट में, और यहां देखो डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा है 1 2 3, तो 3 0 लिख दोगे। एक बार और, जिसके पास डेसिमल नहीं है उसके लास्ट में डेसिमल लगाओगे, और सबसे ज्यादा प्लेस देखो डेसिमल के बाद 3 है, तो 3 0 लगा दो, चाहे तो 4 लगा दो, 5 लगा दो, लेकिन 3 तो लगानी लगानी है। अब इस नंबर को लिखोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 2 1, इधर 5, इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 2 5, इधर 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 2 5, अब जोड़ते चलो 5 7 8, पॉइंट 5 6 7, सॉरी 7 और 1 8, और 3 और 1, आंसर है 138.75, 138.875। ये नहीं आ रहा था आपका आंसर, हाँ, तो मैंने समझ आया ना क्या मिस्टेक हुई।
फटाफट जिसने नहीं करा है क्वेश्चन नोट कर लो, और जिसने करा है अच्छी बात है। और बताओ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 13 कोई क्वेश्चन जो आपने ट्राई करा हो, जो मैंने मार्क कराए हो उनमें से। लास्ट अगर स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी, वरना लास्ट में आप कर भी लोगे कोर्स, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 13 जो मैंने मार्क कराए हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर 30? ओके पहले मैं वन, चलो 30 कराते हैं, ये नोट कर लो फटाफट जिसको करना है, और अगर नोट करने में दिक्कत है तो आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उसे नोट कर लिया करो, जैसे आपको अच्छा लगे। स्टार्ट करें क्लास। चलो देखो, सबसे पहले आपको देखना है 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब देखो बात वही आ रही घूम फिर के, यहां 25 होता तो आप गेस कर लेते, 25 नहीं है ना, तो अब हम कैसे करेंगे। एक चीज देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो ट्रिक और कंसेप्ट सेम है, बस ट्रिक क्या है, जिसको चीजें याद है वो जल्दी रिकॉल करेगा। मैं इसे मान लेता हूं 1200 के आसपास है, 1200 और 1300 के बीच में है, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? ये समझ आ रहा है क्लास? यस बोलो। 4 का 16, तो 40 का 1600। अब मुझे सोच के बताओ, ये जो नंबर है ये 900 और 1600 के बीच में है कि नहीं है? तो यानी कि ये नंबर का स्क्वायर या तो 30 और 40 के बीच का होगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और पास जाना है, और पास जाने का मतलब है 30 40 के बीच का होगा, अभी हमें नहीं पता, लेकिन आपको मैंने ये तो सिखाया कि जिसके लास्ट में 5 होगा उसका कितना जल्दी निकालते हैं। इसका तो 900 था, इसका 1600 था, 5 का 25, 3 के बाद 2, सॉरी 3 के बाद 4, 4 दिया 12। अब मुझे बताओ ये नंबर 900 और 1225 के बीच में है या 1225 और 1600 के बीच में? 1225 और 1600 के बीच में, यानी कि ये नंबर 30 और 35 के बीच में तो नहीं होगा। मुझे तो याद ही है 36 का होता है, ये नहीं है, मैंने तो 50 तक याद कर रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास, यानी कि ये आपको समझ आ गया कि ये नंबर जो है ये मतलब 35 और 40 के बीच में होगा, ये समझ आया ना। अब मुझे सोच के बताओ इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे करके सारे थे। अब मुझे बताओ 6 किसके लास्ट में आता है? या तो 4 वाले के आता है या फिर 6 वाले के आता है, इन दोनों के अलावा 6 किसी के लास्ट में नहीं आता। तो यानी कि इसके लास्ट में क्या 6, तो डेफिनेटली ये 36 का स्क्वायर होगा। कितना स्क्वायर होगा? 36 का। क्लास ये समझ आया तो बताओ। बाकी 3 बच्चे ये समझ आया? ओके देखो कई चीजें हैं जो हम लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर मैं हर चीज को लाइन में लिखाऊंगा ना हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप उन्हीं को याद करते रह जाओगे, कंसेप्ट कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकल से समझा रहा हूं क्या कि कैसे आप चीजों को फाइंड करोगे। अब आप सोच के बताना, एक बच्चा स्क्वायर्स निकाल रहा है मतलब एलसीएम लेके आया उससे, और मैं ऐसे कर रहा हूं या आप ऐसे कर रहे हो, तो आप फास्ट हो, ठीक है ना। और मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैं इस तरीके से करा, वरना मैं तो 50 तक याद करके बैठा हूं और आपको भी 30 के बाद 50 तक याद करना है, ठीक है। ये आ गया। अब आता है 0.1296। अब एक चीज देखना, आएगा तो 36 ही, इसके लिए 6 होगा, इसके लिए 3 होगा, तो इनसे पहले आ जाओ,
इस आएगा तो 36 ही, इसके लिए 6, इसके लिए 3, इसके लिए 1 0, फिर 1। इस पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, वो हमारी मैथमेटिक्स का तरीका लिखने का। आएगा तो 36 ही, इसके लिए 6, इसके लिए 3, इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0। अब इन सबको जोड़ना, देखो जो बिना डेसिमल वाला है सबसे पहले उसे लिखो, उसके बाद उतने जीरो लिख दो जितने सबसे ज्यादा लिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट 36, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 3 6, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 3 6, 6 9 9 3.63। ओ, मैंने गलती कर दी थोड़ा सा, कोई नहीं, ये 12.96 था, तो अगर 12 96 का 36 है तो 12.96 का 3.6 होगा, सॉरी कोई नहीं, मैं सही कर देता हूँ फटाफट, 3.6, 1 2 3, 0.36, 0.036, 0.0036, 6 9 9 9.3। क्लास समझ आया आपको? बाकी 3 बच्चे समझ आया? बाकी 2, बाकी 1, नोट करो फटाफट। और 30 तक कोई और क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराया हो, जो आप नहीं कर पाए हो, बताओ फटाफट। तो देखो क्लास, मैं जो सिखा रहा हूँ बहुत कीमती है, यही आप बाहर सीखते हैं या कहीं और सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं कि कैसे चीजों को जल्दी करना है, कैसे हमें समय बचाना है। ठीक है, 50 तक याद कर लो, पहले 30 तक याद करो, जब 30 तक याद हो जाएंगे तो फिर 50 तक कर लो, और याद करना सोल्यूशन नहीं है, चीजों को कैसे डील कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। ओके, तो अब 1 to 30 तक ना कुछ और, अच्छा और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 तक और कोई क्वेश्चन जो नहीं हुए आपसे, जो मैंने बताया हो? क्वेश्चन नंबर 34 कर लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 34, बाकी तीनों ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 34 मैंने नोट करा बोर्ड पे, बाकियों ने कर लिया? नहीं करा तो ना बोलो, मैं कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन, एक मिनट लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर 1/2, एक मिनट देखो, एक्स की 1/2 इक्वल टू 92, इधर स्क्वायर करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, ये कटेगा, एक्स बराबर 9 की पावर 4, नो नॉट 81, दैट इज 658। मैंने आंसर भी तो भेजे थे, आपने आंसर भी देखे, 658, 6561। अच्छा समझाओ क्लास कैसे आया ये, देखो इसका मतलब होता है पावर 1/2, इसका ये तो दे ही रखा है, आपको पता होना चाहिए जो यहाँ स्क्वायर, ये 1/2 को स्क्वायर रूट कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए ना हमें वर्ग करना पड़ता है, तो मैंने क्या करा, दोनों का वर्ग कर दिया, तो इससे कट जाता है और यहां पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाती है, 2 2 4, एक्स की पावर 9 की पावर 4, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। मुझे ये तो समझ आ गया, ये क्या अस्सी है, ये क्या अस्सी है, फिर देखो दिमाग लगा रहे क्लास, अगर ये 80 80 होता तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर कितना होता, 6400 होता, तो ये तो 81 है ना, तो 81 6400 से तो बड़ा होगा, और 6400 से बड़ा एक ही नंबर है, दैट इज 6561। तो
हर चीज का इस्तेमाल करना है क्लास, दिमाग का भी और ट्रिक्स का भी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट है तो मैं किसी और तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन आएगा आंसर यही। क्वेश्चन नंबर 42 to 47 सबने कर लिए? ओके, तो मैं 42 to 47 के लिए ना पहले कोई तरीका बता रहा हूं, जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, उस कंसेप्ट को फॉलो करके हम 42 से 47 कुछ क्वेश्चन तो बिना पेन के ही कर देंगे, देखना। और कुछ क्वेश्चनों में हमें थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, अगर कोई आंसर आप ना लिख पाओ तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो में देख के आंसर कॉपी कर सकते हो। अब एक चीज देखना, आपने एक का स्क्वायर किया तो एक आया, दो का स्क्वायर किया चार आया, तीन का स्क्वायर किया नौ आया, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64 और नौ का 81 और 10 का 100। ये सबको पता है क्लास, यस और नो? चलो गुड। अब देखो हमने यहां से क्या सीखा, एक से लेके 10 तक, 10 तक मतलब 9 तक, क्योंकि आपको पता है कि पता है संख्या 0 से लेके 9 होती है, 10 नहीं होती, बाकी इनको रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो 0 से लेके 9 तक, ये एक तो 1 आया, एक तो 4 आया, एक तो 9 आया, एक तो 6 आया, इकाई अंक की बात कर रहे हैं, एक 5 आया, एक 6 तो लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 4 भी लिख दिया, एक भी लिख दिया, ठीक है ना। और आए इवन जीरोस, मतलब एक साथ दो जीरो आएंगे, दो आएंगे, चार आएंगे, छह आएंगे, आठ आएंगे, अकेला जीरो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। अब एक चीज देखा, कौन कौन से नंबर नहीं आए, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, पांच छह सात, सात नहीं आया, आठ नहीं आया, ये नंबर नहीं आए, है ना क्लास? ये चीज समझ आई जो मैंने बोर्ड पे लिखी, यस और नो? अच्छा चलो, अब एक चीज हमने यहां से कंसेप्ट बना ली, देखना अभी 42 से 47 49 जो क्वेश्चन है हम इसकी हेल्प से करेंगे ना, तो आधे क्वेश्चन तो बिना पेन के हो जाएंगे। तो अब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, नोट डाल के लिखो, हिंदी में लिखा देता हूं मैं, ठीक है ना। लिखो, जिन संख्याओं की इकाई अंक, जिन संख्याओं की इकाई अंक, जिन संख्याओं की इकाई अंक जिन संख्याओं की इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और विषम जीरो, विषम जीरो समझ जाना कि 1, 0, 3, 0, 5, 0, 2, 3, 7, 8 और विषम जीरो हो, वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती, वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। लिख लिया क्लास? लिख लिया? ओके, तो ओके, मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जिनकी इकाई संख्या ये होगी वो तो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग कभी होंगे ही नहीं, लेकिन जिनकी इकाई संख्या ये होगी वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब अगर किसी नंबर की इकाई संख्या 6 है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जैसे 26 है, 26 थोड़ा होता किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तो हमें डेफिनेटली पता है, और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका डेफिनेटली नहीं पता। इन दोनों लाइन को लिख लो। अब मैं कराता हूं वो क्वेश्चंस 42 से लेके जितने भी हैं,
देखो इसमें चार टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला वो कहेगा इस संख्या में से क्या जमा करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या गुणा करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और क्या भाग करूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना। तो जमा और घटा वाले तो हम इन तरीकों से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन गुणा और भाग वाले हमें एलसीएम मेथड से ज्यादा आसान रहेंगे और ज्यादा सही रहेंगे। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है इस नंबर में क्या गुणा करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल है, आप पहले 1944 का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपको आता होगा दो, दो नहीं अठारह, दो तीन पंद्रह, दो दूनी चार, दो दो चौक आठ, दो अठे सोलह, दो छह बारह, दो 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 दूनी चार, दो चौक आठ, दो तीन छह, और ये किसका होता है तीन का, तीन अठे तीन एकम, तीन से सत्ताईस, तीन से नौ, तीन से तीन, तीन से एक। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया। ना तो दो का जोड़ा बना और ना ही तीन का जोड़ा बना, यानी कि मुझे इस दो का जोड़ा बनाने के लिए एक और दो से गुणा करना पड़ेगा और तीन का बनाने के लिए एक और तीन से। तो ओवरऑल मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, छह से। अगर यही क्वेश्चन भाग वाला होता तो भी मैं किससे भाग करता, छह से, क्योंकि जो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी को मुझे हटाना पड़ेगा। 42 समझ आए क्लास? आसान था ये, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन रेयरली आएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, वो कह रहा है कि 4750 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब क्लास सब ध्यान से देखना, मिस मत करना, अब आएगा मजा। अब यहां पे देखो एक तरीका तो यही है, याद रखना जब भी जमा और घटा जाएगा ना तो आप एलसीएम वाला मेथड नहीं निकाल सकते, क्योंकि एलसीएम वाले मेथड से सिर्फ गुणा और भाग पता चलता है। जमा और घटा करने के लिए, पता लगाने के लिए सबसे बेसिक तरीका होता है पूर्ण भाग विधि, जो भी होता है डिविजन मेथड, जो मैंने भाग वाला दिखाया था, लेकिन हम करेंगे दिमाग से। इसकी लास्ट संख्या 6 है, इसकी लास्ट संख्या 0 है। अगर मैं इन्हें घटाता हूं, 4750 मैं घटा नहीं रहा, बस आपको पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी कि इस केस में इकाई संख्या 4 आएगी। ऐसी इस केस में इकाई संख्या 8 आएगी, ऐसी इस केस में 4 आएगी, इस केस में 8 आएगी। ये समझ आया नहीं आया, बताओ क्लास। बाकी 3, बाकी 2, बाकी 1। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले ना ये देखो, जैसे मानो इनको घटाता मैं, 4750 को 126 घटाता, तो आपको घटाना आता ही है। हम यहां से एक कैरी लेते हैं, इसे 10 बनाते हैं, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लिख दिया। ऐसी अगर मैं 4750 में से 162 घटाता, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 8। मैंने ऐसे घटा घटा के सब लिख दिए, समझ आया लास्ट जिन्होंने बोला था एक बार और। ओके, अब देखो क्लास, यहां देखो जिसके लास्ट में आता है वो तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो अब कौन बचे, यही दोनों बचे, या तो 126 या फिर 216। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला तरीका कि इसका पूर्ण भाग विधि निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका जो मैं सबसे आसान समझता हूं, कैसे, 4750 में से 126 घटा लो फटाफट, 4 2 6 4, 4750 और क्या घटा लो, 216, तो 4 और इधर कितना बचा, 3 और इधर बचा 5, 4। ठीक है ना। अब वही तरीका अप्लाई करेंगे क्लास जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ये अगर देखा जाए तो 4900 से छोटा है ना, और 3600 से बड़ा है। 3600 किसका होता है क्लास, 60 का, और 4900 किसका होता है, 70 का, यानी कि अब ये 60 और 70 के बीच में हो सकता है, तो 60 और 70 के बीच में 65 का आप कर सकते हो, कैसे, 5 का 25 और 6 के बाद 7, 6 7 42। अब ये नंबर 42 तो 25 से बड़ा है छोटा है, बड़ा, यानी कि ये नंबर 65 और 70 के बीच में हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखना मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है,
अगर बात सिर्फ सॉल्व करने की हो तो हार्डली 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, आप भी प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो देखो मैं इस नंबर को लेके चला था, ठीक है, तो मुझे समझ आया कि 60, 70 और 65, 60 का 3600, 70 का 4900 और 65 का 7642, 2500। तो ये नंबर यहां लाई करेगा, यानी कि 65 और 70 के बीच का होगा ये नंबर। अब देखो लास्ट में क्या है, चार, चार किसके लास्ट में आता था याद करो, मैंने मिटा दिया, मुझे याद है, एक तो 2 के और 1 8 के, क्योंकि 2 का 4 होता था, 8 2 64 होता था, तो 2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 65 हम आ चुके हैं, 2 किसमें होगा, 62 में, और ये नंबर इनके बीच में लाई करता है। तो अब डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी कि ये नंबर 68 का स्क्वायर हो सकता है, 68 का स्क्वायर, 68 का, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, 47, 68 का स्क्वायर हो सकता है, तो करके देख लो, 68 का स्क्वायर, 68 6 8 2 4 8 6 48 और 6 8 6 44 और 6 48 8 2 4 6 4 4 2 1 6 4। क्लास आपको समझ आया नहीं आया ये बताओ सबसे पहले, क्लास बाकी 3 नहीं आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा। ओके गुड, देखो ओके दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से बहुत तरीके हैं समझाने के, लेकिन मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूं जिससे वो समझ रहे हैं, जो सिलेक्शन पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा बोला रहे। तो यहां तक हमें समझ आया था, या तो 46-24 होना चाहिए या फिर 45-34 होना चाहिए, 45-34 हम इस वाले को डील कर रहे हैं, अगर ये हिट नहीं करता फिर हम इस वाले को डील करते, इस वाले को डील करेंगे। तो मैंने कहा कि कैसे डील करेंगे, कि हमें पता है 60 का स्क्वायर होता है 3600 और 70 का स्क्वायर होता है 4900, ये नंबर इनके बीच में लाई करता है, यानी कि 60 और 70 के बीच में कहीं आएगा, अभी हमें नहीं पता कहां आएगा, लेकिन हमने देखा 65 का स्क्वायर करना आसान है, 5 का 25, 6 के बाद 7, 6 7 42। अब देखना क्लास, जो शुरू से हर बारीकी को पकड़ रहा है वो मेरे साथ लास्ट तक चल पाएगा, ठीक है ना, इसीलिए स्टार्टिंग में मेहनत भाई रखो। ये नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली नंबर यहां लाई करेगा, मतलब 65 और 70 के बीच में। अब आते हैं अपने दिमाग में, लास्ट में क्या है, 4, हमने देखा था कि एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक 8 का स्क्वायर 64, मतलब जिसकी इकाई संख्या 2 हो या जिसकी इकाई संख्या 8 हो उन्हीं के लास्ट में 4 आ पाएगा, तो इसके लास्ट में तो 4 है ना, तो या तो इसकी इकाई संख्या 2 होती या फिर इकाई संख्या 8 होती। अगर इसकी इकाई संख्या 2 होगी तो ये 62 होगा, और 62 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 60 और 65 के बीच में नहीं है, तो इकाई संख्या क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यानी कि ये नंबर 68 का स्क्वायर हो सकता है, 68 का स्क्वायर हो सकता है। और मैंने इसको फटाफट गुणा किया और मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया कि हाँ